राबिया, अल्लाह ने मेरी सुन ली है, जुनैद को नौकरी मिल गई है। पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पूरे 5 साल का। सच खाला? बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। माशाल्लाह आपने बहुत खुशी की खबर सुनाई है। अल्लाह इसके रिस्क में इजाफा करे, तरक्की दे इसे। आमीन। अरे भाई, ये मिठाई हम इसी खुशी में तो लेकर आए। देखिए खाला जान, अगर शादी करनी है तो अभी करना होगी, हम 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। असलम, मैं तुमको अपनी मजबूरी बता तो रही हूँ। जुनैद को जो नौकरी मिली, इसमें इसका गैर शादी शुदा होना शर्त है। मैं इसकी शादी नहीं कभी कर सकती, वैसे भी इसी हफ्ते तो जा रहा है ये, इतनी जल्दी कैसे ये सब हो सकता है? रबिया, समझाओ ना तुम अरसलान को। वैसे आपा, अरसलान की बात गलत भी नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद आप शादी के लिए हामी भरे? सलाम भाई, जबान दी हमने। मुझे किसी के जबान पे एतबार नहीं है। अगर निकाह करना है तो अभी करनी होगी। बहुत देखे इस तरह के लोग। भाई, अगर धोखा देना हो तो निकाह के बाद भी दिया जा सकता है। वैसे राबिया, ये बात करने का कोई सही तरीका नहीं है। इतनी बेएतबारी? बेएतबारी तो आप लोगों की बातों से हो रही है। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। हमें भी कोई शौक नहीं है इस तरह से ब्याह रचाने का। तुम ऐसा करो, अपनी फरियाल का रिश्ता कहीं और पक्का कर दो। चलो जुनैद। पापा, मेरी बात तो सुने। बस रहने दो, इतनी बातें सुन ली इतनी काफी। ये मिठाई हम इतनी खुशी में लेकर आए थे, ये नहीं कि 4 बोल तुम खुशी के ही बोल देती। अम्मी, चलो जुनैद।